प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी हम सबकी चहेती दबंग वकील नाजिया लाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जहां पे ये दोनों बात करेंगी चुनावों पर। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत में हमारे 14% मुसलमान है, जिसमें से 72 फिरका है। मैं फिर से बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से राहुल बाबा को और असदुद्दीन अवेसी को कि 72 फिरका में से 60 फिरका मोदी जी को वोट कर रहा है। देवबंद जमात और दारुल उलूम जो आप खोल करके बैठे हो, वही आपको वोट करेगा सिर्फ। और देवबंद का मतलब ये होता है कि जिस देव की पूजा आप करती हैं, उसको बंद करवाने का काम देवबंद जमात का होता है। यही दारुल उलूम और देवबंद करता है, जिसने एक महीना पहले गजवाए हिंद का ऐलान किया था। तो क्या देश के सनातनी उस गजवाए हिंद की पुकार को भूल जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि भूलेंगे। हाँ, स्टेलिन जैसे 2% सनातनियों को मैं साइड कर रही हूं, मैं जरूर कर रही हूं। तो 4% मुसलमान जो देवबंद जमात से ताल्लुक रखते हैं और 2% स्टालिन जैसे सनातनी, 6% वोट इस देश से जरूर मिलेगा विपक्षी दलों को, जरूर मिलेगा। पर पीएम मोदी के बयान को मल्लिकार्जुन खड़गे हेट स्पीच के दायरे में डाल रहे हैं। आप सोचिए, असदुद्दीन ओवैसी जो बोलते हैं वो हेट स्पीच में नहीं है। और राहुल गांधी ने जो ये कहा कि बहुसंख्यकवाद बर्दाश्त नहीं है हिंदुस्तान में, अपने मैनिफेस्टो में कहा, मंच से खड़े होकर कहा, ये हेट स्पीच नहीं था हिंदुओं के खिलाफ? देखिए, मैंने अभी पढ़ा और मेरे हाथ में भी उसका खड़गे जी का खड़क खड़क करके जो वो बोले हैं, उस आधी बात तो मुझे समझ में भी नहीं आती है, बाद में मुझे आर्टिकल पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो कैसे बात करता है मुंह में थूक लेकर के। वो युवाओं को तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है और शिक्षित लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। देखिए, मुसलमानों को उकसा करके दंगा पहले भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगाया गया था, और फिर से लगाने की अपेक्षा जो है, स्ट्रैटेजी जो है, वो कांग्रेस हमेशा से जो करती आई है डिवाइड एंड रूल, वो कर रही है, वही करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस हिसाब से राजस्थान की रैली में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को सही तरीके से पढ़ करके बताया है और सुनाया है, इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि भारत के 82.7% सनातनी और भारत की मुसलमान बेटियां अपने अपने नींद को खोल करके अब पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए भीड़ लगाकर खड़ी होंगी, क्योंकि ऐसा एहसास हो रहा है कि अगर 1% कांग्रेस आ जाती है तो मेरा भारत भारत नहीं बचेगा, वो पाकिस्तान में जुड़ जाएगा। और जिसको भारत में दोबारा अखंड भारत करना है, वो कमल के बटन पर ही वोट दबाएगा। जिसको यूसीसी के माध्यम से जिस मुसलमान बेटियों को अपनी इज्जत आबरू बचानी है, अपनी मान मर्यादा बचानी है, वो कमल के बटन पर ही बटन दबाएगा। जिसको एडुकेशन में आगे जाना है, जिसको भारत को उन्नति करते हुए, डेवलप करते हुए सक्सेसफुल देखना है, वो कमल के बटन पर ही अपना उंगली दबाएगा। ये जब उंगली उठेगा ना 26 तारीख को, तो याद सिर्फ एक बात रखनी चाहिए कि सनातनी है और देश के युवा है। कौन यादव है, कौन ब्राह्मण है, कौन कुम्हार है, ये याद नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि धर्मों के आधार पर बंटवारा हो चुका है। देश इस बार नहीं बटना चाहिए, क्योंकि देश इस बार बटा तो 28 टुकड़ों में बटेगा, एक टुकड़े में नहीं बटेगा। ये देश के सनातनियों को याद रखना पड़ेगा। नाजिया जी, आपको भी लगता है कि पहले चरण में जो वोट प्रतिशत कम रहा है, उससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है? क्योंकि हमने तो देखा मुस्लिम बहुल इलाकों में तो फिर भी लंबी लंबी कतारों में महिलाएं खड़ी थी। देखिए, अभी बोलने को सबको ही बोलेंगे, और आप लिख लीजिए मेरी इस बात को कि अब की बार 400 पार। ये बोल बोल करके एक मतलब हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, कि जो भी 5% 4% जो गर्मी की वजह से
या आईपीएल मैच की वजह से जो लोग बाहर कम आए हैं उसमें नुकसान सिर्फ बीजेपी का हुआ है, क्या ही पता कि कांग्रेस के का वोट देने वाले ही नहीं आए होंगे, ये भी तो हो सकता है। सोचे होंगे कि भैया हमको किसी को वोट नहीं देना है, हम कांग्रेस ही हम अंदर ही बैठे रहेंगे, ये भी तो हो सकता है। क्या वोट देने वाला बोल दिया था, फोन कर करके बोला था, जैसे अरविंद केजरीवाल की बीवी ने नंबर दे करके अपने पति को गाली दिलवाया व्हाट्सएप नंबर दे करके, उसी तरीके से कांग्रेस ने कोई नंबर लागू किया था क्या, कोई नंबर निकाला था क्या कि इस नंबर पे पहले मेरे को फोन करना कि हम तुमको वोट देने के लिए जा रहे हैं। तो एक हवा बनाने का, एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, पर इस बार लिख करके रख लीजिए कि अब की बार 400 पार है, जो भगवान राम को लाए हैं उसको देश की जनता लेकर के आएगी, जो यूसीसी के माध्यम से मुसलमान बेटियों को इज्जत आबरू बचाने की बात कर रहे हैं मुसलमान बेटियां उसी को लेकर के आएंगी, जो शिक्षा में हम लोगों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं मुसलमान बेटियां उसी को लेकर के आएंगी, जो 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास करवाए हैं उसी को महिलाएं लेकर के आएंगी, जिस व्यक्ति ने शिव शक्ति का नाम चंद्रयान 3 को दे दिया और महिलाएं देश की उसी को लेकर के आएंगी, और जहां पर महिलाएं आगे बढ़कर के सामने आ जाती हैं तो फिर घर संसार तो क्या देश भी संभालने के लिए वो खड़ी हो जाती है। नाजिया जी, कुछ दर्शक हैं उनके फोन वो कमेंट भी ले लेते हैं। सुनील केवर जी लिखते हैं, कांग्रेस मुस्लिम लीग और वामपंथी दलों का भारत में गजवाए हिंद को रोकने का फीडबैक मिला था, इसीलिए मोदी जी खुलकर मैदान में खेल रहे हैं, जागो हिंदू जागो वरना कांग्रेसी की बेटी नहीं छोड़ रहे हैं तो आम जनता। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, क्योंकि हालिया में जो अभी 2 दिन पहले फयाज ने किया है नेहा के साथ, वो अपने आप में एक मिसाल है। और देखिए आप फिर से राहुल बाबा खड़े नहीं हुए अपने अपने ही नेता के बगल में, कितना बेशरम है। लेकिन आप सोचो ना कि वो भरोसा भी कर्नाटक की पुलिस पर नहीं है नेहा के पिताजी को, वो चाह रहे सीबीआई जांच हो, लेकिन अभी तक वहां से सिद्धरमैया जी ने कोई सिफारिश ही नहीं की कि इसमें सीबीआई जांच हो, क्योंकि यहां पर भी उनको अपने वोट बैंक का खतरा है। ये लोग वोट की राजनीति, डिवाइड एंड रूल की राजनीति हमेशा से करते आए हैं और करते रहेंगे, कांग्रेस का यही चलन और यही चरित्र हमेशा रहा है। एक और है गुरु चरण लाल जी, वो लिख रहे हैं, मैम आप दोनों को सही कह रहे हो गलत नहीं कह रहे हो, कांग्रेस के लिए क्या शुरू से ऐसी ही कांग्रेस ही सोच रही है और अब इसको समझने की जरूरत है, उनका कहने का मतलब ये है। बिल्कुल समझने की जरूरत है, और हम जैसे लोग हैं, अंजू जी हैं, अपने प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस स्प्रेड करती हैं, मैं हूँ, जहां मौका मिलता है वहां पर मैं सारे लोगों को बताती हूँ, और खास करके मैं सनातनियों को बताती हूँ जो वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट करने के चक्कर में अपने सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार और अपने भगवान को भी भूल चुके हैं, मैं उनको याद दिलाती हूँ। पर नाजिया जी, ऐसा आपको लगता है कि अब की बार 400 पार का नारा सुन सुनकर बहुत सारे सनातनियों को लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, अरे उनको ये तो समझना पड़ेगा ना कि वो वोट देने के लिए घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा, तो चलते चलते सनातनियों को एक अपील तो कीजिए कि वो जागे थोड़े, आप तो हमेशा मेरे प्लेटफॉर्म पर उनको जगाने का ही काम करती है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो यही सोचते रहे घरों में बैठ कर कि आएंगे तो मोदी ही, तो हमें वोट देने की क्या जरूरत है, ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें सबको हिस्सा लेने की जरूरत है, तभी तो रिजल्ट वो आएंगे जिसकी बात मोदी जी कर रहे हैं। देखिए जब एक घर में जितने भी फर्द होते हैं उन सब का पार्टिसिपेशन रहता है तब जाकर के वो घर एक खूबसूरत घर बन पाता है। तो उसी तरीके से जिन जिन को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा मोदी जी को देखना है उनको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और मात्र आधे घंटे का काम है, उंगली उठाना है और कमल के बटन पे दबाना है ताकि देश का जो चौकीदार है वो दोबारा शपथ ले, हमारा हमारा जो परिवार का जो मुखिया है वो दोबारा शपथ ले। और मुझे लगता है कि अब सनातनियों को जगाने की जरूरत नहीं है, अब उनको जग करके इस पर्व को मनाने की जरूरत है। बिल्कुल, और उनको समझने की जरूरत है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या कहा गया है, कुछ चीजों को कांग्रेस छुपा रही है, हिडन एजेंडा है, उसी को पीएम मोदी ने सामने रखा है राजस्थान की रैली में, और उसके बाद से मिर्ची लग गई है, अब कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि इस मुद्दे के चलते वो बैकफुट में आ गए हैं, इसीलिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मिलने का वक्त मांग रहे हैं कि मैनिफेस्टो को उन्होंने गलत समझा, मैं समझाऊंगा, तो भाई समझाना क्या, किसी मंच पर खड़े होकर दोबारा पढ़ दो, बोल दीजिए जनता को समझा दो ना, तुम मोदी जी को क्यों समझाओगे, तुम जनता को समझा दो ना। बिल्कुल, लेकिन ये खुलासा जो है कांग्रेस को भारी पड़ेगा, इतना तो समझ में आ गया है। नाजिया जी आप बहुत व्यस्त रहती हैं लेकिन फिर भी आपने इस लाइव के लिए समय निकाला
और मेरे कुछ दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाजी लाई खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। बस मेरी आपसे यही अपील है, आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, अगर आप भारतीय हैं और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जाके जरूर वोट डालें, चाहे आप किसी भी पार्टी को फेवर करते हो, पर वोट डालना आपका हक है और आपका फर्ज है। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।